और फिर बॉल को बहुत अच्छी तरह से देखते इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टम्प्स के साथ कि बॉल को अच्छा देखें अच्छा जब वो तेज़ बॉलर को खेल रहे होते हैं तो बैट जो है वो ज़्यादा हवा में होता है और ज़्यादा ऑफ स्टम्प पर वो चले जाते हैं और फिर उसको वो ज़्यादातर ऑन पे ही खेलते हैं बिकॉज़ उस पोजीशन पे अगर आपका फ्रंट फुट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा डाउन द पिच तो फिर आप रिस्क को ब्रेक करेंगे सो so, इंटरेस्टिंग है इसलिए कि मैंने इसलिए ये सेट ऑफ स्टम्प्स लगाई है वैसे भी मैं पूछूंगा कि ऐसे बैट्समैन को आप आउट कैसे करेंगे सो ये अगर स्टम्प्स है तो वो खड़े होते हैं ऐसे, ऐसे करके, ठीक है जी उसके बाद वो भी दिखाते हैं और ये कहीं इधर ना निकल जाए ये ना रहे बट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इतने वो वेल well वो यहां से आके अपनी पोजिशन साइड ऑन पर ले लेते ले हैं और उनके लिए काम करती है ये चीज तो जब... आपका मतलब है हर हर, हर yeah, yeah. mm. mm. रिलीज कर दें तो वाइड हो जाते थे सो so, उनका भी प्रिसाइज थी अनऑर्थोडॉक्सी में भी प्रसिजन था mm. इसी तरह से इनकी अनऑर्थोडॉक्सी में प्रसिजन है कि वो यहाँ से खड़े होके फिर वो यहाँ टर्न करते हैं और यहाँ अगर चले गए तो गए

चेंज कर चुका होता है hmm, hmm, hmm. उसकी मूवमेंट हो चुकी होती है तो इसका मतलब yes, तो कैसा हाँ. है यू थिंक अबाउट योर ओन बॉलिंग डोंट थिंक अबाउट उसका स्टांस क्या है तो तुम अपने प्लान के मुताबिक हाँ. जाओ कि मैंने इसको मिडल से बाहर निकालना है या नया नया आया तो उसको सीधे मैंने इसके जड़ों में भी एम कर सकते हैं अगर आपको बैट्समैन लग रहा है कि वो इधर

मोस्टली उसके पैडों में विकटों में लगता था तो मैं भी अगर इसको ऐसा होगी बैट्समैन आए तो मैं शुरू में चांस तो जरूर लूं सीधा इसकी विकटो में मारने का well,